सो हे वेलकम बैक इन अदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ सुपर मार्केट सिमुलेटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपना स्टोर ओपन कर लेते हैं और अब चल के ऑर्डर करते हैं गुड्स हमारे पीसी से। तो इधर मैं मैनेजमेंट में आ चुका हूँ और पहले अभी पीसी को चेक कर लेते हैं, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम बेसिकली हमें अपना एक सुपर मार्केट बनाना रहता है, बहुत बड़ा बहुत आलिशान। तो पहले हम लोग लोन ले लेते हैं बैंक से, ठीक है। लोन ले चुके हैं हम लोग, अभी मेरे पास $800 आ चुके हैं और मेरे पास पहले थे सिर्फ $50। तो अभी मैं इनमें से जो सामान चाहूँ जितना चाहूँ ऑर्डर कर सकता हूँ। तो पहले एक स्टॉक मंगा लेते हैं और इसे लगा के हम लोग अपना स्टोर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने और मंगा लिया जो जो नेसेसरी है और जिन जिन की डिमांड है। तो अभी हमारे बाहर आ चुकी हैं, इन्हें ओपन करते हैं और जल्दी जल्दी रखते हैं। ओके, तो इसका प्राइसिंग भी सेट करना पड़ेगा। ये ऑयल का बॉक्स आ चुका है, ये हो गया भाई। ये है क्या सुसु? ब्रेड हो चुका है और बस बचे सीरियल्स और ये भी डन। तो ये अभी हम लोग को प्राइस सेट करना पड़ेगा कि हम लोग कितने चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से। तो इसका $4.50, इसका $4.84, ये $71, ये $95 हो चुका है। बस ये लास्ट है, $5.93। और अभी हम लोग स्टोर को ओपन कर लिया है और अभी और थोड़ा ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमारा पहला कस्टमर आ चुका है, तो पहले इसे ऑर्डर कर लेते हैं और फिर उसे देखते हैं। हेलो सर, थैंक यू सर, वापस जरूर आइएगा। ओके, सेकंड कस्टमर भी आ चुका है। इससे पहले हम लोग को इसे रखना है, स्टॉक मतलब एकदम फुल रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो जाए। और अभी मेरे पास $553 है, तो अभी मेरे को इसी को चलाना है और स्टोर को एक्सपेंड करना है। ओके, कार्ड $5.98 से पूछ रहा है भाई नीचे क्या देख रहा है। हेलो, सामने देख के चला क्या कर, नीचे क्या देख रहा है। ओके, ये भी हो चुका है, पहले इसे भी। अरे यार, एक और कस्टमर आ चुका है। मैं ब्रेड का स्टॉक कुछ ज्यादा आ गया गाइस, इसके बाद ब्रेड मंगाना ही नहीं है यार, काफी ज्यादा आ चुके हैं स्टॉक्स। पिलर को इसे भी रख दिया, बस दो डब्बे और बचे। अबे भाई, ये सुसु कुछ ज्यादा ही मंगा लिया मैंने। और ये लास्ट बॉक्स ऑयल का डन। और अब कस्टमर्स को देखते हैं। तो ठीक है, कैश पेमेंट ये निकल लिया, अच्छा है। ओके भाई, इन लोगों ने डायरेक्ट सेम अमाउंट पर कैश दिया, मतलब चेंज इन्हें चाहिए इन्हें, बढ़िया। कस्टमर भाई, पीसी भी चेक करना है, मतलब उसमें मतलब हम लोग क्या एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके मैम, ये हम लोग का हाईएस्ट अभी तक का ऑर्डर है, $2.60। हाँ, सबसे ज्यादा है। तो अभी एक और कस्टमर आ चुका है, तब तक हम लोग इसमें चेक करते हैं सेल्स ग्रोथ में। ओ, यहाँ से हम लोग अपने स्टोर को बड़ा कर सकते हैं और इसके लिए कुछ सर्टेन लेवल चाहिए हायरिंग। ओके, इधर से हम लोग बंदे हायर कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए। ये हो गया, ग्रोथ देख लिया। स्टोरेज, ओके स्टोरेज ब्लॉक $800 से परचेज कर सकते हैं। नहीं, मतलब अभी हमें थर्ड लेवल तक जाना पड़ेगा वरना हम लोग अभी कुछ परचेज नहीं कर सकते। तो $3.95। तो अभी हम लोगों को कितने चेकआउट्स परफॉर्म करने हैं, देखो इधर सामने आ रहा होगा, मतलब ये मिशन्स है जिसे हम लोगों को करना है। $50, $1,
अभी मैंने लाइट ऑन कर दिया और देखो भाई काफी ज्यादा ब्राइट हो चुका है हम लोग का स्टोर, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। $13 गलती से मैंने कर दिया, तो $13.66 जल्दी करते हैं जल्दी। ओके हो चुका है, बताइए मैडम जी आपको क्या चाहिए। ओके तो ये भी हो चुका है, अभी हम लोगों ने 17 परफॉर्म्स कर चुके हैं चेकआउट, मतलब अभी तक हम लोगों ने अपने कस्टमर्स मतलब 17 कस्टमर्स हमारे स्टोर में आ चुके हैं और हमें ऐसे 25 करना है, बाकी ये घटिया सा ट्यूटोरियल खत्म हो सके और हम लोग अपने स्टोर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। तो अभी रात हो चुकी है और कस्टमर्स आते ही जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मतलब रात कस्टमर्स आना बंद हो जाएंगे तब हम लोग मतलब अपना स्टोर भी बंद कर देंगे। और इसे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, ओके कार्ड $12.80 भाई, अभी तक हम लोगों ने 20 परफॉर्म कर चुके हैं चेकआउट्स। एक और कस्टमर, मेरे को लगता है आज रात तो कम से कम हमारे 24 हो ही जाने चाहिए चेकआउट्स, मतलब 24 कस्टमर्स 25 कस्टमर्स, चलो देखते हैं। ओके 21 हो चुके हैं और बस तीन और सर। तो ये हमारे 24th कस्टमर है $10। और अभी हमारा टाइम 9 बजे पे अटक चुका है, इसका मतलब हमारा डेली स्टैटिक्स आते ही होगा, अच्छा आ चुका है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस हमारे चैनल पे माइनक्राफ्ट और GTA 5 वाला भी वीडियो आता ही होगा, तो वेट करना।